पालकी वाला बचपन में हकलाते थे और उनके हाथ भी कांपते थे। उनकी कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, उनके घर में पालकियां बनाई जाती थी, इसलिए उनका नाम पालकी वाला, सरनेम पालकी वाला पड़ा। उस आदमी ने मेहनत करके वो मुकाम पाया कि मैं आपको दो उदाहरण देता हूँ। जस्टिस सब्यसाची मुखर्जी भारत के चीफ जस्टिस रहे, तो उनके सामने दूसरे दो स्टेट्स के नए जजेस सुप्रीम कोर्ट में उनकी बेंच में बैठे, तो उन्होंने अपने जूनियर जजेस से ये कहा कि ब्रदर बी केयरफुल, द लॉयर हु इज अपियरिंग इज नानी पालकी वाला, एंड इस कभी इस जल्दी में रहिए मत रहिए कि उनका मैटर हम वहीं लिखा देंगे या तुरंत लिखा देंगे, ही कैन हिप्नोटाइज यू। गुलाम वाहनवती ने उनके बारे में ये लिखा है कि ही यूज टू अपियर बिफोर द बेंच, थ्रो हिज प्रपोजिशन, डेवलप द आई कॉन्टैक्ट विद द जज, एंड देयर आफ्टर ही यूज टू डोमिनेट द ब्रेन ऑफ द जज। ये पालकी वाला के बारे में कॉम्प्लीमेंट है। तो मैं आप लोगों को दो बुक्स बहुत हेविली रिकमेंड करूंगा। वन इज कोर्ट रूम जीनियस बाय अरविंद दातार अबाउट पालकी वाला, तो उसमें आपको कैसे वो प्रिपेयर करते थे, उनके आर्ग्यू किए हुए बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, जब तक वो थे लगभग हर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में पालकी वाला लॉयर रहे हैं, तो वो सारी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री भी आपको लीगल मैटर्स की मिल जाएगी। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक आई है यूनिवर्सल की, लेजेंड्स इन लॉ, उसमें ब्रिटिश जजेस से लेकर आखिरी पालकी वाला तक जजेस एंड लॉयर्स के एनेक्डॉट्स हैं, उनकी लाइफ के इम्पॉर्टेंट, कैसे वो केसेस आर्ग्यू करते थे, कैसे वो प्रिपेयर करते थे। क्योंकि हम वक्त के ऐसे दौर में हैं कि हमारे पास कभी कभी मौजूदा आइकन्स नहीं होते हैं, और जब मौजूदा हमारे पास आदर्श नहीं होते हैं तो कई बार हमको इतिहास से शक्ति बटोरनी पड़ती है, इतिहास से प्रेरणा लेनी पड़ती है। तो हमको मालूम होना चाहिए कि हम जिस प्रोफेशन में हैं उस प्रोफेशन के ट्रेडिशंस क्या हैं, उसका इतिहास क्या है।